दोस्तों ये देखें, ये हमने अपने चूज़े खोले हैं। ये देखें, ये सारे बाहर आए हुए हैं और ये उस्मान भाई जो है ना, हमने इनकी सफाई की है और अब नीचे ना हम रेत डालने लगे हैं, क्योंकि जो है ना रेत के बगैर ना ये इनका वो वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और ये खुद ही अपना ना वेस्ट खाई जाते हैं, तो इसलिए ना हम रेत डाल रहे हैं। ये रेत में इनका वेस्ट मिक्स हो जाता है और एक दिन बाद या दो दिन बाद ना हम चेंज कर देते हैं इसको। और ये भी सारी सारी फिर आ देनी है ये इधर। यार इन्होंने कितना शोर मचाया हुआ है, ये बड़ी मुर्गी है। हाँ बड़े छोटे छोटों को देख के वो भी तो छोटे बंद कर देते हैं ना, फिर इनको हो जाए। अब तो हमारा यार कोई चूजा भी नहीं मर रहा है ना भाई, जितने भी है सारे सारे एक्टिव हैं, सारे के सारे जो है ना हमारे चूजे बिल्कुल जो है ना दौड़ फिर रहे हैं इधर बाहर। हमने खोले हुए देखें जरा, अभी तो रेस्ट कर रहे हैं भाग भाग के जो है ना। ये देखें दोस्तों, हमने ना इसको ये चेन इसकी ना बड़ी ला के डाल दी है। अब ये पहले इसकी ना चेन छोटी थी, जब हमने डाली थी ना ये वाली चेन जो ना यहाँ तक ज़मीन तक नहीं थी आती, अब हमने ना इसको चेन बड़ी डाल दी। अब ये अगर उड़ के नीचे भी आएगी ना तो इसकी मतलब टांग को कोई झटका वगैरह नहीं लगेगा। अब ये इधर बैठी ना, वैसे तो अब नीचे उतरती नहीं है, अभी इधर बैठी रहती है, लेकिन जब हम इसको छेड़ते हैं ना थोड़ा सा पास रहते हैं देखें, तो फिर जो है ना ये हरकत वगैरह करती है थोड़ी सी। ये देखें ये 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 खोल दो भाई, इनको भी खोल। वो 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 किन्होंने मुर्गियों ने अंडा है तो तोड़ना नहीं भाई ऐसे, वो दूर पड़ी थी वाला उधर से जाना पकड़ना करते, इसलिए मुझे निकालो निकालो भाई जरा। ये पहले भी दिया इन्होंने, ये पहली दफा दिया अंडा इन्होंने, ओए वाह यार। वो मेरा ख्याल है जो बड़ी वाली दो है, ओए ये देखे दोस्तों हमारी मुर्गी ने कल के दिन में ना, ये देखें कल से लेके आज तक दो अंडे दे दिए, दो ना भैया ना। ओ वाह दोनों देसी अंडे यार भाई दे। ये पता नहीं कौन सी अंडे कर दिए, अंडे देना यार स्टार्ट हो गई है अब यार, क्या बात है। मेरे ख्याल से एक वो ब्राउन वाली दे रही है, हाँ। बड़े वाली, दूसरी पता नहीं कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा है हमारा ये जो ब्लैक वाले कबूतर है ना हमारे, जो हम नए ले गए थे, उनमें उनके दो अंडे थे और उनमें से एक में बच्चा निकल गया। वो देखे अभी उड़ गया, अभी वो देखे जरा, ये देखे एक का बच्चा निकल गया माशाल्लाह से, इतना छोटा सा अभी तो ये है। और इसके बस अभी तो सिर्फ चोंच ही ब्लैक नज़र आ रही है, बाकी तो सारा भी वाइट वाइट है। और दूसरा अंडा पता नहीं अब उसमें से निकलता है या नहीं निकलता अभी तक। हाँ ये देखे, ये हमारे खुमरे का जो बच्चा है वो देखे कितना बड़ा, उसके पार भी निकले हैं कितने ज्यादा। ये एक वीक तक अपने वो अपनी वो बास्केट से बाहर आ जाएगा। और अभी हमारे जो इसके वाले कबूतरों का जो दूसरा अंडा है ना, इसका अभी क्योंकि ये एक अंडा उसने दो तीन दिन बाद दिया था और एक अंडा पहले दिया हुआ था, अभी देखते हैं कि उसका कितने दिनों के बाद बच्चा निकलता है। और जो हमारे अभी बजीज हैं वो तो अभी बस इनसे डर रहे हैं, ये खुमरों वगैरह से अभी देखे सारे ऊपर बैठे हुए हैं वो उधर। हालांकि ये स्टिक्स हमने बेसिकली लगाई इनके लिए, बजीज के लिए हुई हैं, लेकिन इन्हें कोई भी नहीं ऊपर बैठ रहे, अभी बस ये डर रहे हैं और उधर वो कोने में लग के बैठे हुए हैं। अभी इनको आए एक वीक भी नहीं हुआ, थोड़ी देर इनको लगेगी और फिर ये भी इंशाल्लाह ताला मतलब भाई उधर चले फिर उसको लेने। हाँ वो हमारा एक नया हमने ले गया ना जानवर दोस्तों, हमारा वो जो उधर मुस्कान का जो घर खाली हो गया ना वो वाला, तो हम सोच रहे हैं कि उसके लिए ना कोई अपने नया जानवर लेके आए ये वाले घर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं उधर, तो लेके आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या लेके आ रहे हैं। दोस्तों हम ना वो अपना जानवर ले आए, ये आपको दिखाते हैं। ये देखो ये उस्मान भाई ने इसको पकड़ा हुआ है, ये देखें दोस्तों इसका, यार देखो जरा कैसे देख रहा है उसकी तरफ। हाँ वो देखें दोस्तों, ये पैंथर देखें, छोड़ो हाँ भला क्या करते हैं वो भाई, ये देख रहा है कितना भालू लगता है, वो देख तो फुल भालू लगता है वो देख, वो हमारे डैडी जैसा वो देख, लेकिन ये डर रहा है अभी नया है ना, और मुर्गियां भी डर रही हैं भाई, पैंथर से नहीं डरती लेकिन इससे डर रही है अभी। ये क्या चक्कर है, अभी ये नया ना है ना, अभी इसको देखना ही नहीं, ओके ओके ओके, भालू गया भाई, इसकी तो सारी फार ही फार है सिर्फ है। चल बैठ ही गए, और दोस्तों भी हम ना सोच रहे हैं कि हम इसका नाम क्या रखें, क्योंकि ये तो ब्लैक वाला था, इसका तो हमने नाम पैंथर रख दिया था, अभी उसकी समझ नहीं आ रही कि हम उसका नाम क्या रखें।
और अभी बासित भाई से पूछते हैं, भाई आपका क्या प्लान है, क्या नाम रखना है उसका? भाई मैं तो कहता अपने जो दोस्त हैं उनसे पूछते हैं क्या नाम रखते हैं, वो हमें सजेस्ट करें, कमेंट्स करें तो हाँ बताएं क्या नाम। ये भी सही है दोस्तों, आप हमें कमेंट्स के में बताएं कि हम इसका नाम क्या नाम रखें, क्योंकि अभी हमें तो कुछ अभी कोई समझ नहीं आ रही इसका क्या नाम रखें। ये तो ब्लैक था, इसका तो इजीली पैंथर रख ले, तो जो डैजी था, डैजी का पहले से उन्होंने रखा हुआ था डैजी, तो उसको हम डैजी कहते थे। इसका अभी कोई नाम नहीं पता, तो इसका चले आप पे छोड़ते हैं, आप बताएं कि इसका क्या नाम रखें हम। तो हमने इसको फीड डाली है अंदर और ये थोड़ी सी खा के और बस बैठ गए इधर, बस ये ना अभी मतलब डर रहा है थोड़ा थोड़ा ना ऐसे, वो देखें बस अभी डर रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाकी के ये पैंथर को अंदर भेजते हैं, ये इतना भूखा है ये सारी खा लेगा, इसने पहले अपनी भी खाई है अभी वो भी खा लेगा, चल खा ले फीड है, इधर आ ये ले, ये देखे ये सारी खा जाएगा बस। अभी जो है ना अभी ये पैंथर और वो जो दूसरा नया वाला हम लेके आए हैं ना, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं बस, मतलब ना वो इसके पास जा रहे हैं ना वो, हम दोनों अब ना इनको इकट्ठा ही आज सोच रहे हैं कि बंद करेंगे, अभी डेली इन्होंने इकट्ठा ही रहना है, तो इनको ना ऐसे इधर से बंद कर देते हैं, तो आगे अभी ये ना अंदर ही रहें, थोड़े एक दो दिन अंदर रहेंगे तो खुद ही ना इन दोनों के आपस में थोड़ी सी ना दोस्ती वगैरह हो जाएगी। देखिए अभी वो शाम हो गई और ये बासित भाई अभी ना इन सारों को बंद करने लगे हैं, क्योंकि अभी इनको बस बंद करें और लास्ट पे हम अपने ये कबूतरों को पानी पिलाएंगे, क्योंकि पानी जब भी डालते हैं ना ये हमारी जो बतखे हैं ना ये आ जाती हैं उधर और ये सारा पानी पी जाते हैं और बाकी गंदा कर देते हैं, उनको पीने नहीं देते। अभी इनको बंद करने लगे हम और इनको बंद करके और फिर वो ना कबूतरों को एक बार पानी पिलाएंगे फिर उनको बंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जानवर घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।